अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी रानी सिम्बी और सिंगम आज अंदर ही है, क्योंकि दोस्तों आज सर्दी ज़्यादा होने की वजह से इसलिए हमने अभी तक इनको बाहर नहीं निकाला। अभी मैं गया हुआ था चारा लाने के लिए, चारा लेके आ चुका हूँ, तो वो भी इनको जल्दी जल्दी बाहर निकालेंगे। अभी आपको पीछे आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मुर्गियों ने जो है बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी मुर्गियाँ जो है वो एग्स दे चुकी हैं। टिक्की और सुल्तान को हमने पहले बाहर निकाल दिया था, दाना उनको हमने अच्छी तरह डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक मुर्गी बैठी हुई है, ये देखें किस तरह शोर कर रही है, तो अभी देखते हैं। बाकी सारी मुर्गियाँ दोस्तों बाहर गई हुई हैं तो फीड वगैरह करके। तो ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पर दो मुर्गियों ने अंडे दिए हुए हैं, एक ये भी जो उठ के गई है इसने भी, तो इनको भी इधर रखता हूँ, क्योंकि ऊंची जगह पर भी हमारी चीता मुर्गी अंडे देती है और अभी उसके साथ एक और भी मुर्गी अंडे देना शुरू हो गया है ऊंची जगह पे। तो सबसे पहले वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर अंडे हैं या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह, दो एग्स यहाँ पर भी हैं, इनको मैं उठाता हूँ। और ये दो माशाल्लाह, आज हमारी चार मुर्गियों ने अंडे दिए हुए हैं और हमारी मुर्गियाँ बिल्कुल सही टाइम पे अंडे दे रही हैं, क्योंकि आपको पता है सर्दी का मौसम है और सर्दी में अंडे जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। ये अभी तक दोस्तों ये शोर मचा रही थी मुर्गी, लेकिन यार ये बार बार जो है अंदर आने की कोशिश करती है। मेरे ख्याल में अभी तक इसने अंडा नहीं दिया, मैं इधर अंदर आया था तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये डिस्टर्ब हो गई है, तो इस वजह से ये शोर कर रही थी। तो अभी देखते हैं ना ये अंदर जाती है दोबारा अंडा देने के लिए नहीं। अभी ये सुल्तान और टिक्की के दाने खा रही है, तो बाकी पता नहीं मुर्गे किधर चले गए हैं। इन सब अंडों को मैं पहले सेफ जगह पे रखता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे मुर्गों को जाके ढूँढूँगा। वो सामने झाड़ियों में छुप के बैठे हुए हैं, इनको घर की तरफ ले कर चलता हूँ। यहाँ पर ये देखें बारिश का पानी कितना खड़ा हुआ है आगे पीछे, तो ये ठंडा पानी पियेंगे और फिर इनके बीमार होने का ख़तरा होता है, तो इनको घर ले कर चलते हैं। ये यार चीता मुर्गी हमारी ऊपर जा रही है रोड की तरफ, यार इन्होंने बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। निकलो निकलो निकलो, नीचे की तरफ जाओ। चलो 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 सारे अंदर चलो। इनको दोस्तों हम अंदर बंद कर देते हैं, पहले शोर मचा रही थी। तो ये भी देखें दोबारा से बैठी हुई है, अभी तक इसने अंडा नहीं दिया, ये अंडा देगी ज़रूर। और ये दूसरे मुर्गे केज में चले गए, अब इनको अंदर बंद कर देंगे। पहले हम सिंगम रानी और सिम्बी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इनके चारे का टाइम हो चुका है, ये चारा भी खा लेंगे। और साथ दोस्तों आपको एक बात भी बतानी थी कि हमारे सेटअप पर न्यू बर्ड्स भी आ गए हैं, तो वो भी आपको दिखाना है। अभी जल्दी जल्दी बकरियों को बाहर निकालते हैं, इनको चारा भी डाल देते हैं, फिर उसके बाद आपको न्यू बर्ड्स दिखाते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये देखें अभी इनको पता चल गया कि हमारे चारे का टाइम हो गया, तो ये फुल स्पीड लगा रही हैं। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, क्या हुआ है ये देखें, मुझे इतना मार रहा है ना, पता नहीं इसे क्या हो गया। चलो चलो चलो, कोई मुर्गी को मारने लगा था ये पाँव के नीचे देखे ना, करो इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अभी दोस्तों सिम्बी रानी और सिंगम तीनों को बाहर निकाल दिया है, जल्दी जल्दी इनको चारा डालते हैं, उसके बाद आपको न्यू बर्ड्स दिखाते हैं जो हम अपने सेटअप पर लेकर आए हैं। दोस्तों मैंने इनको कमरे में बंद करना था, लेकिन ये इतना तंग करते हैं ना, अभी ये देखें फिर बाहर निकल गए और ठंडा पानी पी रहे हैं। इनकी पता नहीं इतनी बुरी आदत है ना। अभी मैं साथ बड़ी स्टिक ले कर आया हूँ, इससे इनको वापस ले कर जाऊँगा। चलो चलो चलो, अब ये देखें इनकी हालत, ये आगे की तरफ इन्होंने स्पीड लगा ली है, मैं भी स्पीड लगाऊंगा। चलो 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 इधर से निकलो। यार ये आगे चली गई है एक, बाकी उधर चले गए, छोड़ूंगा नहीं इनको, अभी इन सबको कमरे में बंद कर दूंगा, ठीक है। अब ये पूरा दिन इसमें घूमते रहेंगे। वो दूसरी मुर्गी शोर कर रही थी, तो माशाल्लाह उसने भी यहाँ पे अंडा दे दिया है, तो आज माशाल्लाह हमारी सारी मुर्गियों ने अंडे दिए हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह अंडे भी देती हैं दोस्तों, अंडे देती हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये अभी तंग करती है ना, फिर बहुत गुस्सा आता है इन पे। लेकिन कोई नहीं, इस तरह ये पूरा दिन चलता रहता है। आखिरकार दोस्तों यहाँ से काम ख़त्म हो चुका है। फाइनली दोस्तों अब टाइम आ चुका है आपको न्यू बर्ड्स दिखाने का। दोस्तों अभी हमारे साथ सकलेन भी आ गए और इस डब्बे में हैं हमारे न्यू बर्ड्स जो हमारे सेटअप पर आए हैं, तो जल्दी जल्दी इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन से बर्ड्स हैं। सकलेन यहाँ पर आ जाएँ जल्दी करें, काफ़ी देर हो चुकी है, तो इनकी अनबॉक्सिंग करनी है। वो यार ये नहीं नहीं उड़ती आगे, बस खोल दे अनबॉक्सिंग करें। तो ये देखें दोस्तों हमारे सेटअप पर माशाल्लाह, वो किधर गई है, ओए होए होए होए, ये यार ये क्या हो गया है, पीछे उठो पीछे उठो, ओए होए होए, सकलेन पकड़ो इसको, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो,
वापिस को पकड़ो यार। दोस्तों ये क्या हो गया, वो भाग गई है, एक वो गिर गई है सकलेन, वो खेत में गिर गई है एक। इसको पकड़ो आप, इसको पकड़ लिया, इधर आओ इधर आओ। यार ये क्या हो गया दोस्तों हमारे साथ, वो एक खेत में गिर गई है, इसको मैं डाबू उसमें छोड़ता हूँ। सकलेन जाली लगाए आगे आप, ठीक है यार आपने सही कहा था, ये आगे पीछे भागना चाहिए। जाली लगाओ जाली लगाओ, मैं लगा दूंगा, ठीक है। अभी दूसरी किधर है यार, सकलेन वो बैठी हुई है, ठीक है वो नजर आई है ना आपको, हाँ। वो आगे आप यहाँ से लाजमी देखते रहना, मैं नीचे जाता हूँ इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। यार दोस्तों हमारे साथ सही शुगर लगा है, वो दोनों में ना जो है ना वो आगे पीछे भाग गई है, एक खेत में गिरी है, अभी उसको जाके पकड़ते हैं। आप पता नहीं किधर गई होगी दोस्तों, सकलेन किधर है, किस साइड पे है, कोई भाग रही है यार दोस्तों, ये फिर भाग रही है यार, ये क्या कर रही है हमारे साथ। यार सकलेन आपने सही किया था, आप नीचे आ जाओ, आप भी मेरे साथ हेल्प कराओ। हाँ यार इसने क्या कर दिया है, एक हमने पकड़ लिया है, दूसरी ये भाग रही है आगे आगे। ओए ओए और करो फ्लाई करो फ्लाई करो, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। यार दोस्तों नज़र ही नहीं आ रही, ये फिर भाग गया यार, ये यार किधर जाती है समझ नहीं लगती, अभी छुप गई है कहीं पे। जल्दी आओ स्टिक लेकर आओ, कोई इधर छुप गई है कहीं पे, अब नज़र नहीं आ रही दोस्तों, पता नहीं वो किधर चली गई है। यार ये हमारे साथ से क्या हो गया है, अब पता नहीं ये कहाँ पे गई है, अभी यहाँ पे थी एकदम, पता नहीं किधर छुप गई है। वो बैठी हुई है नज़र आ गया स्क्रीन, उधर ठहरो, आएगी आपकी तरफ आएगी, आप किधर से पकड़ाती है ये देखो ना, आएगी आएगी आपकी तरफ आएगी। यार इसने हमारे साथ सही शोर लगाया है, अब पता नहीं किधर गई है, एक मिनट, ओह फिर निकल गया यार, इतनी तेज़ है ना। उधर ठहर जाओ आप स्क्रीन, ये पकड़ लिया मैंने, ओह आखिरकार दोस्तों बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है मैंने, यार बहुत तंग किया इन्होंने। सकलेन आपने सही कहा था, ये भाग जाएंगे आगे पीछे। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे सेटअप पर न्यू बर्ड्स आए हैं। यार ये देखें मट्टी से क्या हालत होगी इनकी, इनको इधर ही उतार देते हैं, इसको जाके डब हाउस में छोड़ते हैं। आ जाओ सकलेन, बड़ी मुश्किल से दोस्तों इसको मैंने दोबारा पकड़ा है गद्दम से। तो सकलेन सही कह रहा था मुझे कि आगे पीछे फ्लाई कर जाएंगी, हाँ बहुत तेज़ है यार दोस्तों, क्या बताएं आपको। चलो शाबाश आप भी जाओ, ये पानी की वजह से गीली हो गई है। माशाल्लाह हमारे सेटअप पर मैना भी आ गई हैं, वो सकलेन एक इसकी टेल ही नहीं है इस वाले की जो ऊपर बैठी है। ये हैं दोस्तों हमारे सेटअप के न्यू बर्ड्स, हम अपने सेटअप पर दो मैना लेकर आए हैं, और आपने देखा होगा कैसा शुगर लगाया इन्होंने हमारे साथ। एक मैना जो है वो उस कारण से निकलने लगी थी, लेकिन सकलेन ने बड़ी तेज़ी से इसको पकड़ लिया है, दूसरी यहाँ से निकल गई थी, फिर आपने देखा है किस तरह उसने भगाया है, और बड़ी मुश्किल से खेतों में से पकड़ा है इनको, और अभी हमने इनको डब उसमें बंद कर दिया है, और हमारे सेटअप पर मैना भी अभी आ गई हैं। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम बहुत सारे न्यू बर्ड्स लेकर आएंगे। आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और हमारे न्यू बर्ड्स जो हम मैना लेकर आए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।